श्री महाकाल, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे सातवें नंबर के तक्षक नाम के काल सर्प दोष के विषय में। तक्षक काल सर्प दोष क्या होता है, क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं और कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले, आप मेरे चैनल पर हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और 12 भाव होते हैं। जब यह 12 राशियाँ भावों में विराजमान हो जाती हैं और उन राशियों में ग्रहों के योग से राहु और केतु के बीच में सभी ग्रहों के आ जाने पर काल सर्प दोष बनता है। लेकिन तक्षक काल सर्प दोष कब बनता है, जब सप्तम भाव में राहु होता है और लग्न में केतु की स्थिति होती है, तब तक्षक नाम के इस कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस कालसर्प दोष में जो है व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टमय निकलता है, उसे अपने वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर यह योग बहुत अधिक तीव्र है तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन मैं वियोग हो जाता है, उसकी पत्नी से उसका वियोग हो जाता है, पति पत्नी में दूरियां हो जाती हैं, उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, दोनों में से किसी न किसी को बड़ा रोग हो जाता है जिसके कारण धन का व्यर्थ में व्यय हो जाता है। ऐसे जातक के शत्रु उस पर प्रभावी हो जाते हैं और शत्रु पक्ष से उसे लगातार हानि मिलती रहती है और वह असाध्य रोगों से घिरा रहता है। घर में कोई ना कोई बड़ा रोग हो जाता है जिसके कारण धन का भी व्यर्थ में व्यय होता है, पदोन्नति में लगातार उसे अवरोध होते रहते हैं। अगर उसका व्यापार है, व्यवसाय है या जॉब है तो उसमें वह सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और वह मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हो जाता है। मानसिक रूप से भी उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उसके जीवन में बहुत ही कठिनाई भरा समय व्यतीत होता है और वह बहुत अधिक परेशान हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का तक्षक नाम का कालसर्प दोष है तो आपको आवश्यकता है कि विधिवत तरीके से आप तक्षक नाम के इस कालसर्प दोष की शांति कराएं, क्योंकि यह दोष लग्न और सप्तम में माना गया है, जहां एक जातक और उसका वैवाहिक जीवन बहुत प्रभावित होता है। देवी भागवत में कहा गया है, यदि पत्नी सही ना हो तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसके दाम्पत्य जीवन में उसकी भार्या से लेकर, यदि पुरुष की कुंडली में है तो उसकी पत्नी और स्त्री की कुंडली में है तो उसके पति से लेकर उसको काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए आपको तक्षक कालसर्प दोष की शांति कराना चाहिए, राहु केतु के जप आदि कराएँ, नागबलि नाग श्राद्ध कराएँ और चतुर्गुणित जप कराकर विधिवत तरीके से कालसर्प दोष की शांति कराएं। आप अमावस्या में किसी तीर्थ स्थान में जाकर काली वस्तु का तिल, उड़द और तेल आदि का जल में प्रवाहित करें, भगवान शिव की आराधना करें और पूजन करें। आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके भी तक्षक नाम के कालसर्प दोष से बच सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करके भी आप तक्षक दोष से बच सकते हैं। जय महाकाल।